ये बताइए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर रखे, क्या क्या आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए रखे और क्या मांगा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तब रखते हैं जब हमें समाज को किसी चीज़ का मैसेज देना होता है। तो आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये किसी इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे है। जब भी हम औरतों के सब्जेक्ट पे बात करते हैं, औरतों की इज्जत करना या डोमेस्टिक वायलेंस का सब्जेक्ट हो या फिर किसी ने वुमेन मॉडेस्टी की हो, तो मैं अपना ये कर्तव्य समझती हूँ जब जब भी समाज में अच्छी बुरी चीज़ें हों उसके ऊपर आवाज़ उठाने की। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि मैंने एक लड़की उर्फी जावेद के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। आज का मुद्दा फिर से उर्फी जावेद है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो नासमझ लड़की ने आज तक जितनी गलतियां की उसने लोगों को किस तरह प्रोवोक किया। आज मैंने एक कंप्लेन फाइल की है, जो कंप्लेन कल हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर को फाइल की गई है। दिस कंप्लेन इज बेसिकली ऑन फैज़ान अंसारी। फैज़ान अंसारी नाम का बॉलीवुड से एक बंदा जो किसी एक टीवी शो में आने वाले हैं, ये तो इन्होंने एक केक बनाया, केक के ऊपर अंडरगारमेंट्स लगाई और उर्फी जावेद का फ़ोटो रख के वो अंडरगारमेंट्स को इन्होंने सीज़र से कट किया। मैं चाहती हूँ वो वीडियो का एक बार क्लिप बताए, रखो यहाँ। इस तरीके की चीज़ें अगर हम देश में अलाउ करेंगे, तो एक बंदे को अगर हमने माफ़ किया तो इस तरह की गलती दूसरे और लोग करेंगे। He was taking वो ले रहा है। उन्होंने बोला डन। नहीं नहीं, उनको बोला था, उन्होंने मुझे बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं। ये कंप्लेंट फाइल करने का रीज़न ये है, वुमेन मॉडेस्टी आज फिर की गई। पहले उस लड़की ने की अभद्र कपड़े पहन के और जाति को बदनाम किया, हिंदुस्तान के बोलते हैं ना पेटेंट को, अगर मैं बोलूँ सभ्यता तो लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि मैं सभ्यता के ऊपर भाषण दे रही हूँ, हिंदुस्तान के पेटेंट को डिग्रेड बोलते हैं ना, नीचे गिरा दिया है लोग ने, बहुत नीचे गिरा दिया। पहले उसने अपने बॉडी को एक ब्लैक बोर्ड की तरह, स्केच बोर्ड की तरह उसके ऊपर स्केचेस बनाए जो वो चाहती थी, जिस तरीके से वो करना चाहती थी। उसने वुमेन बॉडी को एक्सपोज किया, न्यूडिटी दिखाई, और उसी तरह अब फैज़ान अंसारी ने किया है। इसी के खिलाफ मैंने कंप्लेन रेज करते हुए फैज़ान अंसारी के खिलाफ वुमेन मॉडेस्टी करने की वजह मुंबई पुलिस कमिश्नर के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र दोनों को कंप्लेन दी है कि इसके खिलाफ अप्रोप्राइट एक्शन लिया जाए। अगर हम पब्लिसिटी के लिए भूखे लोग जो चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं फेमस होने के लिए, चीप ट्रिक्स, इस तरीके के लोगों को अगर हमने माफ़ी दी तो हम पूरे समाज में एक गलत मैसेज का अवेयरनेस फैलाएंगे कि इस तरीके की चीज़ें आप कीजिए। इन चीज़ों को बैन करने के लिए ऐसे FIRs बनना, ऐसी कंप्लेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल। जी, देखिए, ये कल कंप्लेन फाइल हुई है सर, अभी आज हम कंसर्न पुलिस स्टेशन को लेटर इशू करेंगे। तो मेरा कंसर्न पुलिस स्टेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन है, तो ऑब्वियसली फैज़ान अंसारी के खिलाफ अगेन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के दूसरे सोशल मीडिया जो भी फेस है उसे बदनाम करना, उन दोनों का पर्सनल होता तो मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पर बाकायदा एक केक बना के उसके आगे अंडरगारमेंट्स लगा के किसी लड़की का फोटो उस पर लगा के अंडरगारमेंट्स को सीजर से कट करना, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक तरीके से आप औरत जात को आपने क्या समझ के रखा है? आप अपनी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कुछ भी चीप ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर संविधान को एक्शन लेना चाहिए, ये मेरी मांग है। जैसे कि आप वकील है जी, तो आपको पता ही होगा इसमें कौन सी धारा लग सकती है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं अपने माध्यम को भूलती ही नहीं हूँ। समाज में जो चीज़ें सही है वो होना चाहिए, जो गलत है वो नहीं होना चाहिए। वकालत पढ़ना ये मेरा शौक है, ठीक है, वकालत करना मेरा शौक नहीं है, समाज की गंदगी साफ करना मेरा शौक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मैंने फाइल किया है वो
मैं क्लेम करती हूँ इस चीज़ पे कि वुमेन मॉडेस्टी 354 का एक्ट इस बंदे के ऊपर लगना चाहिए कि वुमेन मॉडेस्टी किसी औरत को गलत तरीके से पोर्ट्रे करना या उसकी बॉडी के पार्ट को एक्सपोज करना या फिर उसको इंटेंडली सेक्सुअल एक्ट के लिए फोर्स करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पे 354 एक्ट जो है वो लागू होता है, वो इस बंदे पे भी होता है। तो फैजान अंसारी डिजर्व अ क्रिमिनल केस ऑन हिम एंड दैट्स रियली आई एक्सपेक्ट बाय मुंबई पुलिस टू डू अननेसेसरी एक्शन। आप इसके अलावा क्या चाहते हैं फैजान अंसारी के ऊपर, कब तक ये हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, कब तक अरेस्ट की भी कोई मांग करेंगे या? सर देखिए ऐसा है, मैंने मेरा काम किया है, बाकी का काम पुलिस को करने दे, सारे काम मैं करूंगी तो कैसे चलेगा। मैं केस फाइल करना जानती हूं, एफआईआर बनाना ये मेरी यूएसपी है कि जब कहीं पे कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए एक्शन लेना और उसके ऊपर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट फाइल करना, और सेकंड की जो रिपोर्ट होती है वो पुलिस ऑफिसर्स खुद फाइल करते हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कहती है। तो ये फैजान ने क्यों किया, क्या मोटिव था, इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, क्या कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है, क्यों किया गया ये, क्यों हिंदुस्तान में इतनी चीप ट्रिक्स इस्तेमाल की जा रही है पब्लिसिटी पाने के लिए और फेमस होने के लिए, इन चीज़ों का जवाब जो है मुंबई पुलिस को हासिल करना चाहिए ताकि वो समाज को इसका मैसेज दे पाए कि व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड। जैसे कि आपने उर्फी जावेद पे भी कंप्लेंट किया था, जी उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं है। देखिए उर्फी जावेद पे हमने जो वुमेन मॉडेस्टी फाइल की, तो जैसे हम फाइल करते हैं वुमेन मॉडेस्टी, वो जाकर पुलिस स्टेशन में ये जवाब देगी कि मेरी मर्जी है मैं इसे वेयर करूँ, अब पुलिस इंटरेस्टेड नहीं है केस फाइल करने पे, तो हमने उसके ऊपर आरटीआई फाइल किया है। और जहाँ तक उस लड़की ने जो मुझे गाली दी थी उसके खिलाफ मैं डिफेमेशन का केस ऑनरेबल बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मैंने फाइल कर चुकी हूँ, विच इज अगेंस्ट 2 CR, 2 करोड़ रुपए का मैंने मानहानि का दावा उस बंदी पे किया है। सी उर्फी का और मेरा सब्जेक्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कंप्लेन से कुछ लेना देना नहीं है। उसने जो की वो बददिमाग लड़की है, उसे अभी दिमाग नहीं है, उसे अकल आने में वक्त लगेगा, जब अकल आएगी तो उसे समझ में आएगा कि उसने क्या सही किया क्या गलत किया। उसे लगता है जिंदगी से आज है कल जिंदगी नहीं है, कल जिंदगी का कुछ नहीं होना, आज के बाद कल आना है, ऐसा कुछ नहीं है जो आज ही खत्म हो जाना है। और फैजान जो कर रहा है मुझे पता नहीं है लोग अपनी फैमिलीज को जवाब कैसे देते हैं, चाहे वो उर्फी जावेद हो या फैजान अंसारी हो। और शर्म की बात यह कि मुसलमान है ये लोग, बहुत शर्म की बात है। वेल दोस्तों जी, मुस्लिम है तो ये जायज नहीं है भाई, मैंने कहा ना कि शर्म की बात है ये मुसलमान है, ठीक है। मैं नहीं एक्सेप्ट करती इन चीज़ों को कि हमारे धर्म में इन चीज़ों की अनुमति है या हम एंटरटेन करते हैं, हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते ऐसी चीज़ों को। हमारे धर्म में ऐसी चीज़ों को करने वालों को मैं एक बहुत साल पुराना एक वाक्या मुझे ध्यान में आ गया, जिस एक लड़के के पूरी बॉडी पे जो है टैटूज थे, उसकी उसके जनाजे को है ना कब्रिस्तान के अंदर लेके जाया नहीं, मतलब परमिशन नहीं दी जा रही थी, क्यों, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे टैटूज थे और उसने पूरे ज़िंदगी उसने इस्लाम के खिलाफ इल्यूमिनेटी कुछ कहते हैं उसे फॉलो करता था, वैसे वह एक्ट करता था, तो उसकी मैयत दफनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई है भाई, ये ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होनी है, मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है, ठीक है। तो मेरा मैसेज सिर्फ आज की आवाम को इतना ही है, आप जब अपने बच्चों को देखते हैं कुछ गलत चीज़ों को स्क्रोल करते हुए, प्लीज़ उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए, क्योंकि हम उनके माँ बाप हैं, हम उनके गार्जियन हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दें। और जब हम हमारे बच्चों की तालीम की बात करते हैं तो आसपास और इर्द गिर्द पर भी ध्यान रखना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। बस विदा चाहते हैं। आप उधर खुलना अंधेरा क्या कट कर।